प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट। क्या टोंक का मोती बाग भी बनेगा शाहीन बाग? जी हाँ, नवाबों के शहर टोंक के अंदर CA, NRC और NPR के विरोध में 3 दिन का धरना शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर भीड़ जुटी तो हो सकता है ये धरना शाहीन बाग की तर्ज पर अनिश्चितकाल के लिए शुरू हो जाए। धरना स्थल पर लोग जुटने शुरू हो चुके हैं, और वहीं दूसरी ओर बात करें प्रशासन और पुलिस की, तो पुलिस और प्रशासन ने भी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या शाहीन बाग की तर्ज पर CA के विरोध में ये धरना अनिश्चितकाल के लिए बदलेगा, क्या टोंक की जनता इस धरने को अपना समर्थन देगी, सभी समुदाय समाजों के लोग क्या इस धरना स्थल पर पहुँचेंगे। महत्वपूर्ण सवाल यही है। फिलहाल अगर बात की जाए तो लोगों में जोश है, लोगों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि CA और NRC के नाम पर देश को कहीं ना कहीं जो है गुमराह किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देश बचाओ संविधान बचाओ जैसे बैनर और तख्तियां लेकर पुरुष महिलाएं इस धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं, लोग संबोधित कर रहे हैं। धरना आज इस वजह से हमने लगाया है कि जो केंद्र सरकार ने CA कानून पास किया है और उसके तहत जो देश को बांटने का कुछ चतुष चलाया है धर्म के आधार पर, आज हमारा उसके विरोध में धरना है। और इसके साथ साथ जो शाहीन बाग में हमारे महिलाएं बैठी हैं और देश में जो महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं उनके समर्थन से भी हमारा ये धरना है। और ये धरना जब तक चलता रहेगा जब तक सरकार जो NPR में 5 डॉक्यूमेंट्स और बढ़ाएं कि माता पिता का जन्म स्थान और आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ID कार्ड, वोटर लिस्ट की, जब तक ये जो है ख़त्म नहीं करेगी तब तक हमारा ये धरना चलता रहे। कितने दिन तक धरना चलेगा? अभी हमारे धरने का चलने की जो है तिथि 23 तारीख तक है, और यहाँ हमने देखा कि जनता में आगे बढ़ाने के अगर हमारे को मैसेज दिया तो इसे हम अनिश्चित काल तक भी ले जा सकते। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।